गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने देखा किस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसेस क्या लगता है एक्सरसाइज 7.4 तक। ठीक है, इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.4 तक हमने सब पूरा विधिवत रूप से कम्प्लीट करवा दिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे एक्सरसाइज 7.5 है, लेकिन एक्सरसाइज 7.5 में बात आती है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फंक्शन के द्वारा जो है इंटीग्रेशन करना है, और पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या, सबसे पहली बात समझो कि कौन कौन, मतलब आंशिक भिन्न जिसे कहते हैं। ठीक है, आंशिक भिन्न की बात हो रही है, तो आंशिक भिन्न के हिसाब से हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे वो सब चीज़ें हमको यहाँ पे जाननी पड़ेंगी। सबसे पहली बात आंशिक भिन्न, आज यहाँ पे हम समझेंगे सिर्फ आंशिक भिन्न। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की अगर बात करें कैसे होता है, जैसे अगर कोई संबंध आसेड कि एक्स प्लस टू, ठीक है, ऐसे सिंपल से पहले बात एक ले लेते हैं क्या, कि जैसे ऐसे बोल दिया जाए कि 3 + 5 अपान 2। ठीक है, इसका अगर पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, 3/2 + 5/2 ऐसे लिखा जा सकता है। अब यही चीज़ जब एलजेब्रा में पहुंचती है, मतलब क्या हुआ कि 1/(x+1) ऐसे बोल दिया जाए और x+2 ऐसे बोल दिया जाए, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात कुछ नियम होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, पहले वो समझने कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहली बात इधर साइड पे इसको रब कर देते हैं, या चलो हम इधर ही बता दे रहे। ठीक है, पहली बात ये होती है कि अगर 1/(x+a) और x+b हो, ठीक है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होता है a/(x+a + b) / x+b। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं, यहाँ पे ये बनता है कि 1/(x+a) = a/(x+a + b/(x+b). दूसरी बात अगर देख ली जाए कि यहाँ से एक बात और निकल के आती है, क्या कि ये जैसे बोल दिया जाए 1/(x+a), अदर साइड में हो जाए कि x+b² तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 1/(x+a), ठीक है, +b/(x+b + c/(x+b² ये चीज निकल के आती है। ठीक है, तीसरी बात ये आती है कि अगर ऐसे मिल जाए 1/(x+a), इधर हो जाए x²+b, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चीज हो, इसका मतलब a/(x+a) + b/(x+c) / x+b। ठीक है, चौथी बात ये आती है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन टाइप से हो 1/(x+a) और x²+b² तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनता है 1/(a/(x+b) + b/(x+c) + x²+d + x²+b². ठीक है, अब चीज़ें कैसे यहाँ पे बनेंगी, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन है, हमारा काम होगा कि a और b की वैल्यू निकाल लो। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल वाले केस में हम लोग डायरेक्ट जो है, वैसे नियम क्या है एक बात समझ लो कि नियम हमारा ये कहता है कि आप इसकी इधर मल्टीप्लाई करवा के x वाले पद के एक साइड में कर लेते हैं और एक साइड में, मतलब x वालों से तुलना करवा देते हैं। ठीक है, जब इससे तुलना करवा देंगे तो वो सब चीज़ें हमारे पास a और b के रूप में इक्वेशन बनेगी, 2 या 3 इक्वेशन बनेगी, उसके बाद में वो 2-3 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन में लिया हुआ है, देखें पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन में लिया हुआ है, देख लेते हैं क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। देखें एक क्वेश्चन आता है कि वन इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन ये आता है वन अपान एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया जाए तो कैसे करेंगे। तो हमारा पहला वाला नियम काम कर रहा है इसमें, कौन सा, ए अपान एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में प्लस बी अपान एक्स प्लस टू एक ब्रैकेट में। हमारा काम क्या रहेगा कि वन इक्वल टू ये बनेगा ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स माइनस वन, ठीक है, और अपान में एक्स प्लस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू होगा, इसका कोई विशेष मतलब ही नहीं है, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हमारा काम क्या रहता है, इन दोनों टर्म में किसी एक को जीरो मतलब जीरो करना पड़ेगा। यदि हम लोग एक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू अगर जीरो कर दें तो एक्स इक्वल टू माइनस टू बनेगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना बनेगा, वन निकलेगा। अब हमारा काम क्या रहेगा, पहले एक्स बराबर टू रख देते हैं इस इक्वेशन में, एक्स बराबर टू रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन इक्वल टू अब यहाँ पे देखें एक्स बराबर अगर वैल्यू रख दिया माइनस का टू यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये बनेगा बी ब्रैकेट माइनस टू माइनस का वन, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी ये वैल्यू बनेगी वन इक्वल टू माइनस का थ्री बी, ठीक है, और बी इक्वल टू यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से माइनस वन बाई थ्री, ये बी की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। अब उसके बाद में अगर देख लेते हैं, अब यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आई बी इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। अब हमारा काम क्या रहेगा कि ये एक्स इक्वल टू वन करेंगे, तो एक्स इक्वल टू वन करेंगे तो यहाँ पे वन रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास कितना, वन इक्वल टू ए और वन की वैल्यू अगर रख दी जाए तो ये कितना हो जाएगा, दो और एक तीन, ठीक है, थ्री ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, वन बाई थ्री निकल के आएगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमको पता है कि ए की एक्स इक्वल टू वन रखें, एक्स इक्वल टू वन रख दिया जाए तो हम पाएंगे कि ये तो जीरो होगा, यहाँ से ये वैल्यू सिस्टम में कितना बन के आ जाएगा, ये बनेगा वन और ये इक्वल टू ए प्लस थ्री, ये हो जाएगा वन बाई थ्री। तो ये सिचुएशन हमारे पास निकल के आएगी। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वो यहाँ पे फ्रैक्शन जो निकल के आएगा वो बनेगा यहाँ से वन बाई थ्री ब्रैकेट एक्स माइनस वन, ठीक है, और यहाँ से अगर देख लिया जाए यहाँ से माइनस का बी की वैल्यू कितनी है, वन बाई थ्री, ये बनेगा एक्स प्लस का टू, ये चीज़ वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन इसका निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन लेके और समझ लेते हैं, ठीक है, तो विद्युत रूप से और बातें समझ आएगी, इसको रब कर देते हैं। लेकिन मेन काम है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गए तो इसका मतलब चीज़ें हमारे पास आसानी से हो जाएंगी, और ये पार्शियल फ्रैक्शन ही नहीं हो पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। चीज दे रखी है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वन अपान
एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये है ठीक है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या कि पहली बार इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/(x+1) एक ब्रैकेट में और x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में। तो ये वैल्यू निकल के कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास a/(x+1) एक ब्रैकेट में और माइनस प्लस का b/(x-1) ये चीज़ तो बनेगी ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से समझें, इसका मतलब क्या हुआ, 1 = a(x-1) + b(x+1). यहाँ से काम क्या रहेगा कि x = 1 और 1 - 1, ये दोनों वैल्यू रखी जाएंगी यहाँ पे ठीक है। तो अगर सिस्टम देख लेते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी यहाँ पे कि 1 = 1 रखें, एक रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2, तो b = कितना हो जाएगा 1/2 बोलो। उसके बाद में यहाँ से अगर -1 रख दें, ऐसा अगर -1 रखेंगे तो -1 ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 = ये वैल्यू हो जाएगी -2a, -1 और -1 ये हो जाएगा इतना, तो a = यहाँ से कितना निकालेंगे, -1/2। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई है। अब हमारा काम क्या रहेगा कि इसको थोड़ा व्यवस्थित तौर कर दें, एक वैल्यू रख दें तो -1/2 x + 1 ठीक है, और प्लस का ये बनेगा कितना, 1/(1/x-1) और साथ में 1/2 बनेगा, 1/2 ठीक है। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1/2 ये हो जाएगा x - 1 - 1/2 x + 1। एक बात और समझें कि इसको करना क्या पड़ेगा, अगर चाहें देखें एमट प्रूफ देख लेते हैं, ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही ठीक है, देख लेते हैं। तो हमारा काम क्या रहेगा, ये तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन निकल के आया है ठीक है, 1/2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर कितना होगा, ये बनेगा x + 1 - x और -1/(x²-1). तो यहाँ से अगर देख लिया जाए, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये हमारे पास बनेगा 2 ठीक है, और 1/2 और इनटू में इधर बनेगा 2/(x²-1), तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल के आ रहा है x²-1 ठीक है। हमने ये प्रूव करके देखा हुआ है, एक बात समझे कि हमने प्रूव करके देखा हुआ है कि यदि कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं हम लोग, यदि कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो उसका जो मान होता है ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद यदि समीकरणों को सॉल्व किया जाए तो हम देखेंगे वही हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है। एक बात और समझे यहाँ से, अब ए और बी की बात और हल्की से समझ लें, इतनी बात समझ में आ रही है, ए और बी की बात और समझें। देखें ए और बी के कैसे हैं, कैसे यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि और भी कौन तरीके से इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a = अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ax - a + bx + b, यहाँ से अगर देख लिया जाए 1 = ये बन रहा है, x कॉमन ले लूँ, a + b अंदर बचा ठीक है, और +b - a या a - b लिख लें, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से a - a - a + b ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसकी तुलना कर देते हैं ठीक है, लिख दें कि x
के रिस्पेक्ट में तुलना करने पर। जब हम लोग तुलना करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू जीरो बनेगा कि नहीं, ठीक है, और माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना बनेगा, वन बनेगा, ठीक है, वन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हमारा काम क्या रहेगा, देख लेते हैं कि वैल्यू को पहले समीकरण नंबर एक निकल के आई और समीकरण नंबर दो निकल के आई, ठीक है। जब समीकरण नंबर एक व दो निकल के आई, हमारा काम क्या रहेगा कि यहाँ से अगर देख लें कि ए से ए कैंसिल आउट कर दें, जोड़ देते हैं समीकरण को, तो ये कितना बनेगा, यह बनेगा 2b इक्वल टू 1। तो b यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, b की वैल्यू निकल के आएगी 1/2, ठीक है। अब 1/2 बी की वैल्यू निकल के आई, इसमें वैल्यू रख देते हैं तो ए प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस का 1/2। तो फिर वही बात आ रही है, ठीक है। कुल मिला के करना क्या है, एक बात फिर से समझ लें अच्छे तरीके से, आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है। यदि पार्शियल फ्रैक्शन आ गए तो आप चीज़ों को आसानी से बना लेंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो सब चीज़ें बता चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लें, ठीक है, चीज़ों को और बेहतर रूप से क्लियर करवा दे रहे हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर उसमें बार बार ये सब चीज़ें नहीं बता पाएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ठीक है। जो पार्शियल फ्रैक्शन की अभी बात बताई, नंबर एक पे हमने बताया था कि 1/x + a और x + b, इसको हम लोग लिख सकते हैं a/x + a और प्लस का b/x + b, ठीक है। ये बात यहाँ से लिखी जा सकती है, कैसे कर रहे हैं वो सब बातें पता चल रही कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद दूसरी बात यहाँ से निकल के क्या आती है, दूसरी बात ये निकल के आती है कि यदि यहाँ पे सिस्टम बन जाए 1/x + a और x + b का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो हो सकता है, इसका मतलब a/x + a और प्लस का b/x + b और प्लस c/x + b का होल वर्ग, ठीक है। इसके बाद में बात क्या आती है, तीसरी बात ये आती है कि यदि 1/ बोल दिया जाए कि x + a और x² + b इस फॉर्म में दे दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि a/x + a, ठीक है, तो प्लस का b/x² + b और प्लस में bx + c, ठीक है, ये चीज बनेगी यहाँ से, ये बनेगा 1/x + a x² + b इक्वल टू 1a/x + a + bx + c/x² + b, ठीक है। इसके बाद में चौथी बात क्या आती है कि 1/x + a x² + b का होल वर्ग, तो इसका बनता है 1/x + a और प्लस का bx + c/x² + b और प्लस का cx + d/x² + b का होल वर्ग, यही तो बनेगा। तो आप जो है ऐसे ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, जब ये पार्शियल फ्रैक्शन निकल के आएंगे तो हमारा काम क्या रहेगा कि हाउ टू फाइंड ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एंड सी एंड डी, मतलब हमको इसके बाद चाहिए ए और बी सी डी की वैल्यू, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए तरीका हमने बताया कि लगभग साधारण वे में केस में जैसे पहला हो गया दूसरा हो गया, ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न में,
इस इन दो प्रकार के प्रश्न में लगभग डायरेक्ट हम लोग अगर वैल्यू रख देते हैं x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो करके, तब भी वैल्यू दे देगा। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर इसके बारे में हमको करना किया पड़ेगा कि आप इसको सॉल्व करने के लिए बेहतर यही है कि आप इसको ट्रेडिशनल मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि आप तुलना x की तुलना करवा दें, x की तुलना करवा के इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन बनाने के बाद में उसको जो है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। तो वहाँ से a और b की वैल्यू मतलब क्या करना है, इसके बाद क्या स्टेप है, इसके बाद है कि आप x की तुलना करवाएं। x की तुलना करने पर जब x की तुलना हो जाएगी तो a b c d की वैल्यू निकल के आ जाएगी, लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में आएगी, इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन के बाद में इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ए बी सी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आंसर लिखा है, ठीक है। तो काम हमको सिर्फ ये दो तीन अधिकतर मोस्टली काम करेंगे, और अधिकतर 60% लगभग क्वेश्चन में एक और दो, बस ये दो केस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे आप ज़्यादा ज़्यादा तीसरा केस मिल जाए, लगभग 80% क्वेश्चन जो है हमारे इसी प्रकार से सॉल्व हो जाते हैं इन दो मेथड से ही, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अच्छे तरीके वीडियो को समझें। आंशिक भिन्न से संबंधित कोई एक दो एग्जाम्पल हो, उन एग्जाम्पलों का प्रयास करें आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो अपने किताबों में जो आंशिक भिन्न से संबंधित क्वेश्चन हो उनको जरूर सॉल्व करें, और यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।